हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मींस आरबीसीज एंड पोइसिस मींस किसी का जनरेशन या किसी का ओरिजिन। तो एरिथ्रोपोइसिस इसका टर्म, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी का फॉर्मेशन। और एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मींस पूरे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अपन को देखना है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी। तो एरिथ्रोसाइट का ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। व्हाई हेमोपोइसिस एंड हेमेटोपोइसिस इज प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। तो पूरी ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है? हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। अपन देखते हैं साइट। साइट कहाँ पे है इसके फॉर्मेशन की? तो देखिए, इसमें अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से किस मंथ में क्या होता है अपन की, ये इंट्रा यूटराइन लाइफ में बताया गया है कि तीन स्टेज में होती है। एक होती है अपन की मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक, माइलोहाइट। तो उसमें अपन को इतना ज़्यादा नहीं देखना, बस अपन को ऑर्गन बता देना है कि कहाँ कहाँ पे होता है। इन फीटल लाइफ मेसेनकाइंड ऑफ योक्सेक, लिवर एंड स्प्लीन। फाइनली द आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लिवर। तो सबसे पहले कहाँ पे? योक्सेक से। तो इसको बोल देते हैं अपन लोग कौन सी स्टेज? मेसोब्लास्टिक, फिर लिवर एंड स्प्लीन से। तो इसको अपन बोल देते हैं हेपेटिक स्टेज। और रेड बोन मैरो एंड लिवर से, तो इसको बोल देते हैं अपन लोग माइलोहाइट। तो अपन को स्टेज का मतलब नाम याद नहीं करना, सिर्फ ये ऑर्गन कर लिया बहुत है। एंड न्यू बॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड अडल्ट ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। तो अपन जब उसका बर्थ हो गया, तो न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद चिल्ड्रन और एडल्ट, इन तीनों स्टेज में किससे? सिर्फ रेड बोन मैरो से ही डेवलप्ड होते हैं। जबकि 20 साल तक केवल रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, सभी बोन्स के, मतलब जो भी बोन है अपन की शॉर्ट लॉन्ग। आफ्टर द 20 ईयर्स के ये केवल डेवलप होंगी कहाँ से? मेम्ब्रेन वाली बोन। मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन सी होती है अपन की? स्टर्नम वगैरह, रिब्स, स्कैपुला एंड फ्रंट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, एंड मतलब वो एपिफाइसिस वाला पार्ट, तो वहाँ से डेवलप होंगी। कहाँ पे? कब? ये अपन के 20 साल के बाद। 20 साल के पहले पहले कहाँ से डेवलप हो रही थी अपन की? सभी बोन से। लेकिन उसके बाद क्या, सिर्फ कहाँ पर सीमित रह गई? मेम्ब्रेनस बोन पर सीमित रह गई, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या चेंज ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले तो रिडक्शन इन साइज। साइज कैसे रिडक्शन हो जाएगी? 20 माइक्रोमीटर की एक सेल होती है, वो 20 माइक्रोमीटर से कितनी बचती है? केवल 7 से 9 माइक्रोमीटर की बचती है। ये पहले बात, तो साइज का चेंज होता था। साइज चेंज क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। तो निकला क्या है? डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और न्यूक्लियस होता है, वो उसका डिसअपियर हो जाता है। फिर डिसअपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी डिसअपियर हो जाए, सॉरी अपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी अपियर होने लगता है। और चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर हीमोग्लोबिन अपियर हुआ तो क्या हो गया? उसके साइटोप्लाज्म में चेंजेस आएंगे। कौन सी? स्टेनिंग प्रॉपर्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं स्टेजेस। स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस में होती हैं 6 स्टेज। कौन कौन सी? एक तो अपन की हो गई बैरियर, कहाँ से? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट सेल से मेचर आरबीसी तक बनने में कम 6 स्टेप लगते हैं। कितने? 6। सबसे पहले होता है प्रोथ्रोब्लास्ट, फिर होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड देन होता है मेचर एरिथ्रोसाइट। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट तक बनने में लगते हैं 5 दिन, और जबकि रेटिकुलोसाइट से मेचर एरिथ्रोसाइट मींस इस ब्लड में रिलीज होने में लगते हैं कम से कम 2 दिन। तो ये कैसे स्टेज होती हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे ये वाला कॉलम, देखते हैं अपन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 20 होता है। उसमें क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क भी पाया जाता है। उसके बाद क्या होती है? उसमें बेसोफिलिक रहता है, क्योंकि इसमें अभी हीमोग्लोबिन तो अपीयर हुआ नहीं, सब सिंथेसिस शुरू हुआ है इसका। सिंथेसिस शुरू हुआ किसका? हीमोग्लोबिन का। फिर उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, साइज रिड्यूस हो रहा है, देखिए 15 हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाएंगे, तो इसकी स्पेसिफिक है कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाते हैं और क्रोमेटिन कैसा हो जाता है? डेंस हो जाता है। फिर उसके बाद ये भी बेसोफिलिक होता है, न्यूक्लियाई डिसअपियर हो गए। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में 10 से 12 बचा, और साइज रिड्यूस हो गया। फर्दर कंडेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क ये आगे चल ही रहा है, और पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक इस वजह से हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या हो गया? अपीयरेंस हो गया। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा? इसमें 8 से 10 साइज हो जाएगा, माइक्रोन में है, ठीक है, साइज। और स्मॉल विद वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिन इंक स्पॉट। तो इंक स्पॉट न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? लेट नॉर्मोब्लास्ट में। ये एसिडोफिलिक हो जाएगी, क्योंकि देखो अपीयर हो चुका है हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज। न्यूक्लियस डिसअपीयर बाय पाइकनोसिस। पाइकनोसिस मीन डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। फिर रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या 7 to 7.5 तक हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अपन के जो क्रोमेटिन नेटवर्क वो एब्सेंट हो जाएगा, ये भी बेसोफिलिक हो जाएगा। अब ये एक
पॉइंट है कि बेसोफिलिक क्यों होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें रेटिकुलम का अपीयरेंस होता है। जो रेटिकुलोसाइट स्टेज है उसमें रेटिकुलम के अपीयरेंस की वजह से कैसी हो जाती हैं, बेसोफिलिक हो जाती हैं। रेटिकुलम इज फॉर्म सेल इंटर्स कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन। रेटिकुलम इज फॉर्म सेल एंड फॉर्म सेल इंटर्स कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ। देखिए दरअसल जो रेटिकुलम है क्या, रेटिकुलम मींस होता है ये डिसइंटीग्रेटेड गॉल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनम, जो भी अपन के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनम पाए जाए हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाते हैं, अपन के रेटिकुलम बनाते हैं। और रेटिकुलम ही क्या बना है, रेटिकुलम जिस स्टेज में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, रेटिकुलोसाइट। ये क्या होता है, बेसोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए ये इसमें क्या हो जाती है, इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसोफिलिक होती है। फिर मेचर आरबीसी कितनी होती है, 7.2 माइक्रोन की होती है, जिसमें क्या होता है क्रोमेटिन नेटवर्क ऑप्शन रहेगा, पता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है आरबीसी में। उसके बाद क्या है, एसिडोफिलिक होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत मात्रा में पाया जाता होगा। रेटिकुलम डिसअपियर हो गया जो कि बेसोफिलिक अपीयरेंस दे रहा था। और सेल अटेन वाइकॉन कैविटी, ये मेन है इसका, ये कैसी हो जाती है, वाइकॉन कैप टाइप की हो जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट अपन को ध्यान रखने। तो ये अपन का ल्यूकोसाइट का पार्ट दिया रखा है जो इतना है, और ये अपन का मेनली एरिथ्रोपोइसिस दिया रखा है। तो देखो कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट से क्या बना, सबसे पहले इसमें दो न्यूक्लियाई प्रोएथ्रोब्लास्ट में दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अर्ली नॉनोब्लास्ट जिसमें क्या न्यूक्लियस ही दिख रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है, अपन का जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो रहा है। इसके कंडेंसेशन के बाद फिर अपन का क्या अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन भी हो रहा है, जैसे थोड़ी थोड़ी रेड होते जा रही है, और इसका और कंडेंसेशन होते जा रहा है किसमें, इंटरमीडिएट नॉनोब्लास्ट में। ठीक है, फिर लेट नॉनोब्लास्ट में पाइकनोसिस से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अपन का डिसअपियर हो जाता है। फिर रेटिकुलोसाइट में अपन क्या आराम से रेटिकुलम नेटवर्क देख सकते हैं। उसके बाद अपन की क्या बाइकॉनकेव एरिथ्रोसाइट होती है जो रिलीज हो जाती है। तो इधर से जो इतनी प्रोसेस है ये कितनी होती है, ये 5 डेज में कंप्लीट होती है, जबकि इधर से इतनी प्रोसेस कितने में, 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक ऑन एन एवरेज एक आरबीसी बनने में कितना लगता है, 7 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे का अपन का टॉपिक है फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अपन ने देखो सबसे पहले उसका डेफिनेशन वगैरह देख लिया, साइट देख ली, चेंजेस देख लिए, चेंजेस के बाद अपन ने स्टेज देख लिया। अब अपन का है फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। तो बहुत सारे फैक्टर इसको डिटरमाइन करते हैं कब एरिथ्रोपोइसिस रुक सकता है, कब ये इंक्रीज हो जाता है। तो जनरल फैक्टर होते हैं जो जनरली इसको अफेक्ट कर देते हैं, कहीं ऊंची जगह पहुंच गए अपन, तो ऊंची जगह पहुंचने पर क्या होता है, आरबीसी का कंडेंसेशन अपन के जो फॉर्मेशन है वो अपन के ब्लड में बढ़ जाता है। मैच्योरेशन फैक्टर होते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर मीन्स क्या क्या इसके लिए चाहिए होते हैं, सब्सटेंस जो एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, और अदर फैक्टर होते हैं जो किसके हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन से, जनरल फैक्टर या स्टिमुलेशन फैक्टर जो स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है किसी भी टिश्यू लेवल पर क्या हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यही एरिथ्रोपोइसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस बाय इंड्यूसिंग सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनी। तो किडनी की अपन की सेल्स होती हैं, किडनी में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो आगे अपन पढ़ेंगे, उससे ये क्या करवाता है, एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करवाता है। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन की वजह से एरिथ्रोपोइसिस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, अपन को हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है। रिसेंटली ये पता चला है, लेकिन अपन को उतना ध्यान नहीं रखना है, यही है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, आगे दिखा अपन ने कि एरिथ्रोपोइटिन देखिए अभी बताया मैंने कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन हो गया। तो यही है इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस। इट इज ये क्या है, ग्लाइकोग्लाइक प्रोटीन नेचर का होता है जो किससे सिक्रीट होता है, अपन की किडनी से सिक्रीट होता है। अब करता क्या है ये, ठीक है हाइपोक्सिया की वजह से निकलता है, लेकिन करता क्या है, ये करता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट को क्या पहले जो बोन मैरो में पाई जाती है उनको क्या में बदल देता है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट क्या में प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में बदल जाएंगी। फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से क्या क्या डेवलपमेंट करवाता है, मेचर आरबीसी का, और फिर मेचर आरबीसी को क्या में रिलीज करवा देते हैं ब्लड में। तो ये कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन करता है। ठीक है, फिर अपन थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन भी कई मायने तक अफेक्ट करता है किसको, एरिथ्रोपोइसिस को, इंक्रीज हुआ तो बढ़ जाएगा, कम हुआ तो, ये सो हाइपर थायरॉइड एंड पॉलीसाइथेमिया आर कॉमन। तो इंक्रीज हो जाएगा तो मींस एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करेगा ही, और पॉली जब भी ये इसका लेवल बढ़ेगा हाइपर थायरॉयडिज्म होगा तो पॉलीसाइथेमिया मींस नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाना। ठीक है, फिर अपन देखते हैं हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर भी कुछ पाए जाते हैं जो सिक्रीट होते हैं, दे आर द इंटरल्यूकिंस एंड स्टेम सेल ग्रोथ फैक्टर। तो स्टेम सेल फैक्टर है वो स्टेम सेल को अफेक्ट करेंगे। देखिए अपन के में क्या पाई जाती है, एक पाई जाती है सबसे प्लूरोपोटेंट
हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये अनकमिटेड होती हैं और कमिटेड होती हैं, ठीक है। तो अनकमिटेड को कमिटेड में बदलते हैं, फिर कमिटेड को क्या बदलते हैं, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जो कौन किसके बाद कौन सी स्टेज आती है, कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट। तो ये तीन स्टेज से रिलीज होके पहले यू, फिर सी, फिर पी एस एस सी एस, इसके बाद ये स्टेज आती है। तो इन सबको इधर तक लाने में कौन कहता है, स्टेम सेल फैक्टर मेन अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन फैक्टर में है तीन, कौन कौन से, विटामिन बी12, इंट्रिंसिक फैक्टर, फॉलिक एसिड। तो अलग अलग इनकी वजह से अलग अलग एनीमिया भी होंगे। तो विटामिन बी12 में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये किस लिए रिक्वायर होता है, तो ये रिक्वायर होता है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, किसमें, आरबीसी में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपन का मैचर सेल है उसका रिडक्शन होने लगेगा, मतलब अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पाएगी, सेल डिवीजन भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपन का परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर ही तो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं विटामिन बी12 का। तो विटामिन बी12 ये सिक्रेट कहाँ से होते हैं, प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय पैराइटस सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो पैराइटस सेल्स होती है उनसे ये सिक्रेट होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 के लिए ये रिक्वायर होता है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट है अपन का फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड में आल्सो रिक्वायर फॉर मैचुरेशन, हाँ ये भी मैचुरेशन के लिए रिक्वायर है, उसी तरह काम करेगा जिस तरह से डीएनए को मैच्योर कर रहा था विटामिन बी12, रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब्सेंस ऑफ फॉलिक एसिड कॉज फेलियर ऑफ मैचुरेशन, और मैचुरेशन फेलियर हो गया तो इसमें क्या होते हैं, फिर थ्रू ब्लास्ट फेज में क्या होती है, सेल्स रिलीज होने लगती है ब्लड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसमें क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और अदर फैक्टर जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, अमीनो एसिड, चूंकि अपन जानते हैं कि ये क्वार्टरनरी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो इसलिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी चाहिए पड़ेंगे, जो आराम से कंडेंस होकर इसके क्या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना पाए। फिर आयरन, आयरन तो अपन को पता ही है ये यूटिलाइज होता है कि उसके हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, और कॉपर, कॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है आयरन की, कोबाल निकल भी कई मायने तक हेल्प करते हैं, और जो अपन का विटामिंस होते हैं विटामिन बी3 बी6 भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इतना ही अपन का एरिथ्रोपोएसिस है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से इतने नोट्स प्रोवाइड किए गए बहुत हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियोज़ डाल पाऊँ, मोटिवेट हो गए। थैंक यू गाइस।